हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक बार फिर से बीएचयू पाठशाला और आप सभी लोगों का बहुत बहुत वेलकम इस चैनल में। और आज मैं फिर से मेंटल एबिलिटी के कुछ खास चैप्टर्स के क्वेश्चंस पे बात करूंगा। चैप्टर नेम है सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम्स, सेगमेंट एंड सीरीज के नाम से जानते हैं, श्रृंखलाबद्ध बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। बाय द वे, आप इस क्वेश्चंस को देख के समझ रहे होगे कि मैं किस टाइप क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हो तो ए इवन ऑड की बात आ रही होगी। होता क्या है कि ये सभी चीजें एक ही तालाब के मेढक बोल सकते हो या फिर बोल सकते हो कि एक ही समुद्र के सीप या मोती हैं, ठीक है। बस दिमाग में इतना बैठाना है कि जो चीज मैं समझा रहा हूं अगर आप उस मैसेज को समझ लेते हो तो फिर आपका भला होगा और मेरा भी मैसेज कन्वे हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। जब हम सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं तो यहां पे क्वेश्चंस तीन तरीके से पूछे जाते हैं। एक होता है इंग्लिश, ठीक होता है। तीन तरीके से क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, थ्री तरीके से क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। एक इंग्लिश बेस्ड होते हैं, एक मैथ बेस्ड होते हैं, मतलब नंबर बेस्ड होते हैं, एक फिगर बेस्ड भी होता है। लेकिन ये फिगर बेस्ड वाला जो है ये बीएचयू के एग्जाम में कहीं ज्यादा नहीं देखने को मिला मुझे आज तक। फिगर बेस्ड मतलब मैं इसको पहले ही समझा दूं, ये पूछा नहीं जाता है कभी। जैसे ऐसे चार पांच ब्रैकेट बने होते, एक दो तीन बना दिया, चौथा यहां पे खाली कर देता है, यहां पे एरो रखता है, फिर एक यहां पे एरो रखता है, फिर एक यहां पे एरो रखता है, तो पूछ देगा कि इसके बाद वाला क्या होगा, यहां पे बोल देगा, फिर बोलेगा कि कौन सा फिगर आगे आएगा। देख, फिगर वाला समझ में आ रहा होगा सीक्वेंस, वैसे ही नंबर वाला आता है। नंबर वाला जैसे कि अभी मैंने लिया नहीं है, सपोज की एग्जाम्पल में मैं बोल दू 2 4 6 8 डैश डैश, आगे क्या होगा सभी को पता है कि इवन का सीरीज चल रहा है तो यहां पे 10 हो जाएगा, दो दो का है, तो ये नंबर वाला हो गया। उसके बाद एक आपका होता है अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो हमने इंग्लिश अल्फाबेट के बहुत सारे यहां पे लिख रखे हैं, तो टाइम नहीं लॉस करूंगा, सीधे हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ओके डन, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फिर उसके बाद। तो पहला क्वेश्चन जब आप देख रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है कि यहां पे क्या सीरीज होगा, यहां पे अगला क्या बैठेगा। ऑप्शन नहीं है, ठीक है, ऑप्शन सुन लो आप लोग, आप लोग दिमाग लगाओ, मैं ऑप्शन आपको बता देता हूं, ठीक है। ऑप्शन देखो क्या है, ऑप्शन है वाई एक्स, ऑप्शन है यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, वाई एक्स पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है वाई एन, तीसरा ऑप्शन है आपका वाई एम, एक एन है क्या, और चौथा ऑप्शन है आपका ओनली एम। ये चार ऑप्शन है, आपको बताना है इसको सॉल्व करने के बाद क्या ऑप्शन सही होगा। अब मैं आपको सोचने का तरीका बताता हूं, जैसा है क्वेश्चन में मैं बताता हूं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले जब आप कभी भी इंग्लिश अल्फाबेट के अल्फाबेट्स को देखो तो दिमाग में उसकी प्लेस वैल्यू दिमाग में बैठाओ, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। मैं ये बैठाता हूं, के का क्या होता है 11, क्या होता है 11, डब्ल्यू का क्या होता है 23 होता है, एम का कितना होता है 13 होता है, बी का क्या होता है 22 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है, टी कितना कहता है 20, फिर 20, फिर 17। अब दिमाग में ये देखो क्या आ रहा है, यहां पे 11, फिर 13, फिर 16, फिर 20, कितने का डिफरेंस चल रहा है, मतलब यहां पे किया 1, फिर किया यहां पे 13 3, ठीक है, फिर यहां से किया कितना तो 4, ऐसे कुछ हो रहा है क्या यहां पे, तो ये कितना बढ़ा रहा है, 1 से 3 किया, 3 से सॉरी यहां पे 16, 16 से 20, तो यहां पे 4 किया। अब यहां से जब आगे बढ़ाएगा तो कितना बढ़ाएगा, तो 5 बढ़ाएगा, ठीक है, यहां पे सॉरी यहां पे कितना किया है 2 किया है। अब देखो तो 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 कर रहा है, आगे कितना करेगा, इसको 5 करेगा, तो यहां पे 5 करेगा तो 25 आएगा, 25 की वैल्यू कितनी होती है, ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि वाई कई जगह पे दिख रहा है, 2 जगह वाई दिख रहा है, तो 3 जगह वाई दिख रहा है, एम तो ऐसे ही कट गया, 2 ऑप्शन बचा हुआ है क्योंकि यहां पे वाई आया, वाई का कितना होता है, वाई का होता है 25, जेड का 26, तो वाई आ गया। अब यहां पे एक वैल्यू हमें पुट करनी है, अब इसका क्या बन सकता है, तो यहां पे 23 है, यहां पे 22 है, यहां पे 20 है, यहां 17 है, मतलब क्या हो रहा है, एक के घट के एक घटा, फिर 2 घटा, फिर 3 घटा, अब कितना घटेगा 4, तो 17 में से 4 घटेगा कितना आएगा 13, और 13 किसका होता है m का होता है, तो वाई एम आंसर हो जाएगा, वाई एम मैंने यहां पे लिख रखा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3rd वाई एम। अब देखो आप क्वेश्चन नंबर बी, सेकेंड क्वेश्चन,
यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी बन रही है। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे बताओ जल्दी, आप बताओ तब से हम इसको इरेज करें जिससे उसको सॉल्व किया जा सके आसानी से। एक्चुअली कुछ बहुत सारे कॉमेंट्स आए, बी को देखने से दिमाग में क्या आया आपको? ठीक है, बी का ऑप्शन चाहिए आपको, ठीक है मैं ऑप्शन आपको बोल दे रहा हूं, चलो मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा इसका बड़ा है, देखो ऑप्शन में इसके पास दो लिखता हूं, कौन सा लिखता हूं, दो ऑप्शन इसको मैं देता हूं, ई 31 225 एक्स, और एक ऑप्शन है आपका ई 3125 यू। ये दो ऑप्शन आपके सामने हैं, ठीक है आप बताओ कैसे सॉल्व होगा। देखो इसको सॉल्व करने का आसान तरीका है, पहले पहले वर्ड को ऊपर लिख दो, सीरीज समझ में आएगी, ए बी सी डी। एक बात तो समझ में आ गया हमें कि यहां पे जो पहला वर्ड होगा ई होगा और ऑप्शन में भी आपको ई दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको अगर पूरा ऑप्शन लिखवाता तो उसमें अब तक दो ऑप्शन कट गए होते, क्योंकि दो ऑप्शन की जो स्टार्टिंग थी वो एफ थी, क्या थी एफ थी। तो ये चीज है कि यहां से पहले वाले से हमें ये दो ऑप्शन करेक्ट मिल गए। अब देखो, अब नीचे वाले को नीचे लाओ, जो लास्ट वाले उसे नीचे लाओ, क्या हो रहा है जेड वाई एक्स जेड वाई एक्स, यहां पे क्या होगा डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, ठीक है ये है यहां पे डब्ल्यू। तो अब लास्ट में ये बात तो समझ में आ गई हम लोग को कि एक एक घट रहा है, माइनस वन माइनस वन माइनस वन, अब माइनस वन करेंगे तो कितना आएगा भी आएगा, आपको आपका आंसर यहीं से मिल गया, ये भी हो गया और ये आपका अच्छा भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है। लेकिन अभी भी अगर मैं चारों ऑप्शन लिखता तो आपको कंफ्यूजन होता, क्योंकि अभी हमें नंबर की कहानी समझनी है। नंबर की कहानी ये है, ये जो वन है ये वन का वन है, ये जो फोर है ये टू का टू है, ये 27 जो है वो थ्री का थ्री है, और 256 जो है ये आपका चार का चार है। तो इस तरीके से अब जो इसके बीच में संख्या आएगा वो है पांच का पांच, समझ में आ गया। तो पांच का पांच 3125, इस तरीके से अगर मैं चारों ऑप्शन लिखता तो आप इसको करेक्ट कर देते, ठीक है। अब आप बताओ सी ऑप्शन देखने से दिमाग में कैसे सॉल्व करने का तरीका आ रहा है बताओ। एक्चुअली ये वीडियो थोड़ा सा पोज हो गया था ना, सी के नंबर्स मैंने लिख दिए उसमें, सॉल्व कर चुका था, वीडियो पोज हो गया था। कई बार ऐसा होता है वीडियो अकेले जब शूट करना होता है तो ऐसे कैमरा ऑन हो जाता है और वो कब पोज हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो वो सेकंड वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका था उस वीडियो में। अच्छा अच्छा ठीक है, सी बताइए कैसे सॉल्व होगा। यहां मैंने नंबर्स लिख दिया, आपको आसानी हो गया होगा, ठीक है। देखिए के का 11, एम का 13, ओ का 15, टी का क्यू का 17, ठीक है। आप बताओ कैसे होगा, यहां पे क्या आएगा, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, चलिए ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ले लो इसका। ऑप्शन है यस यू आर एक ऑप्शन, दूसरा है यस ए आर, तीसरा है यस ए क्यू, और लास्ट है आपका एस डी आर, ठीक है। बताओ कैसा होगा, क्या दिमाग में आ रहा है? देखो इसका आसान तरीका मैं बता रहा हूं, ये क्या कर रहे हैं, यहां पे जो 11 है 13 है 15 है 17 है, क्या सीरीज चल रहा है, 11 2 13, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 कितना होता है, यहां पे इसका मतलब जो वैल्यू आएगी उसकी प्लेस वैल्यू 19 होगी। 19 किसका होता है, यस का होता है, यस सभी में दिया हुआ है, सभी में दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा रीडिंग लगाते हैं, 26 है 24 है 22 है 20 है, यहां पे क्या रखोगे, तो दो घटा दो, अब 20 से दो घटाओ तो क्या आएगा 18 आएगा, 18 आएगा, मींस पहला और दूसरा, पहला 1900 का दूसरा 18, पहला यस होता है और 18 का आर होता है, और आर ऑप्शन में किसमें है, तो आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, आर इसमें भी है, ठीक है। चलो एक ऑप्शन कट गया, अब क्या करें, अब क्या करें कि इसका हम लोग का आंसर मिल जाए, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि तीन ऑप्शन अब में से कोई एक होगा, बीच में क्या रख रहा है, यू रख रहा है, ओ रख रहा है, आई रख रहा है, ई रख रहा है, फिर यहां पे क्या रखेगा। तो गाइज मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दिया है सब कमेंट्स बताने के लिए, इतने सॉल्यूशन के बाद अब दिमाग इतना तो डेवलप हो गया होगा, चार पांच वीडियोस दे चुका हूं, ऐसा क्या रीजनिंग लगाओगे कि इसका आंसर अब सही मिल जाएगा, जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। ओके नेक्स्ट डी दिखाई दे रहे हैं,
बहुत पीसफुली आराम से चल रहा हूं। कमेंट्स आ रहे थे कि सर आराम से चलिए, तो हम ऐसे भी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अगर अच्छे से समझते हो तो मेरा जो समझाने का एम है वो कंप्लीट हो जाए। आराम समझो चाहे फास्ट समझो, ठीक है। चलो अब डी बताओ क्या चल रहा है दिमाग में, क्या चल रहा है डी को देखने के बाद। बी ई एच के एन क्यू टी डब्ल्यू जेड, क्या आएगा यहां पे बताइए। ऑप्शन नहीं दिया मैंने, दिमाग लगाओ कि क्या आ सकता है, ऐसा क्या रीजनिंग चल रहा है। पहले इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, क्या होगा टू, ई का फाइव, एच का एट, के का इलेवन, एन का 14, क्यू का 17, मेरे साथ बोल के लिखते रहिए, टी का 20, डब्ल्यू का 23, जेड का 26। बताइए क्या दिमाग में आ रहा है। ऑप्शन दे दे आपको, बी ई एच वाला क्वेश्चन है, ठीक है, बी ई एच वाला क्वेश्चन है। ऑप्शन नोट करो इसका, ऑप्शन है डी जी एच, डी जी एच पहला ऑप्शन, दूसरा है सी एफ आई, तीसरा है एफ जे आई, तीसरा है पी, चौथा है पी एस आर, ये ऑप्शन है। बताओ इसमें क्या सही होगा, जल्दी बताओ। देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, इसमें क्या दिमाग लगा रहा है, बी से ई और ई से एच आने में कितना लग रहा है, तो बी से ई प्लस थ्री, ई से एच प्लस थ्री, हो रहा है कि नहीं। आगे देखो, के से एन कितना लग रहा है प्लस थ्री, एन से क्यू प्लस थ्री, रीजनिंग समझा आई थिंक, आंसर टिक कर दोगे अब तक, क्या आंसर है बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ मेरे दोस्तों। टी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से जेड प्लस थ्री प्लस थ्री। अब ऐसा ही कुछ इसमें भी होगा, मींस ऑप्शन देखने के बाद दिमाग में सोचिए ऐसा कौन है जिसमें प्लस थ्री का डिफरेंस आ रहा है, जल्दी बताओ। इसी के साथ साथ पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। और ये क्वेश्चन है इवन ऑड का, क्या क्वेश्चन है इवन ऑड का। क्वेश्चन पैटर्न होता है कि चार ऑप्शन देगा और उसमें से एक आपको भिन्न जो होगा छांटना रहेगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर आ गया कि नहीं। देखिए इसमें आप इसको सॉल्व करो, चार है आठ है बीच में, तो इसमें तो पहले ही गलत हो गया, नहीं आ रहा है। इसको देखो क्या है, थ्री है सिक्स है नाइन है प्लस थ्री प्लस थ्री, ठीक है। कमेंट्स जितने लोग भी कर रहे थे सही कर रहे थे। इसको देखने के बाद क्या लग रहा है पांचवा, चलो मैं इसको एक बार क्या करता हूं इरेज करता हूं, पांचवे पे कंसंट्रेट करता हूं। चलो बताओ दोस्तों पांचवा बताओ कैसे होगा। चार ऑप्शन है, इसमें से कोई एक आपका इस ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, मतलब चार ऑप्शन मतलब एक क्वेश्चन है, ऐसे आता है ना इवन ऑड वाले, इसमें से आपको ऑड बाहर निकालना है, बताओ इसमें से कौन होगा। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा बीच वाले के ऊपर कहानी बनती है, बीच वाले के ऊपर कहानी बनती है, बीच वाले के ऊपर कहानी बनती है। कहानी यूं बनती है कि जब आप 73 और 19 को जोड़ते हो तो देखोगे कि 92 आ रहा है, जोड़ के देखो, 9 3 12 के 2 हासिल लगा 1 और 7 1 8 1 9 92। ये कहानी देखो सब पे अप्लाई हो रही है क्या, 7 5 12 के 2 हासिल लगा 1 2 6 8 1 9, ये कहानी इस पे भी अप्लाई हो रहा है, 1 2 इस पे अप्लाई हो रहा है क्या, ये अप्लाई इस पे भी हो रहा है, 20 और 23 43 होता है, ये अप्लाई इस पे भी हो रहा है। लेकिन जब डी पे अप्लाई करोगे तो क्या अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा है, जोड़ के देखो, क्योंकि यहां पे 3 है और यहां पे 4 है, जोड़ोगे 97 और यहां पे 100 के ऊपर वैल्यू देगी। इजी वे में समझाया इस चीज को, कोई बात नहीं। पांचवा, कहानी यहां से शुरू होती है, ये बहुत इजी इजी क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 पे बहुत पॉलिटिक्स हुआ, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आज भी कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा क्वेश्चन सबसे बेहतरीन लगा और रियल में कितने क्वेश्चंस आपने ऑनेस्टली सॉल्व कर लिए थे, प्लीज कमेंट्स। और अच्छा लगे तो उस अंगूठे को दिखा दीजिएगा, वैसे तो अंगूठा दिखाना हिंदी मुहावरा में गलत अर्थ जाते हैं, लेकिन ये यूट्यूब एफबी और बाकी सोशल मीडिया पे आपको अंगूठे दिखाने को इन्होंने लाइक में कन्वर्ट कर दिया, मीन्स है कि नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया गया है। बताइएगा छठवां क्वेश्चन दिमाग देखने में दिमाग में क्या आ रहा है, क्या हो सकता है पॉलिटिक्स। ये बहुत आसान है, ये पता है क्या कर रहा है, ये 7 है, क्या है 7 का क्यूब, ध्यान से देखो, ये 11 है,
ग्यारह का क्या क्यूब, ये चौदह है, चौदह का क्या क्यूब, लेकिन बेचारा ये कुछ नहीं है, क्या कुछ नहीं है, क्या हो जाएगा सी। वैसे ही सातवां क्वेश्चन देखो दिमाग में क्या आ रहा है, 143, 171, 117, 195, 143, 171, 117, 195, ऐसा क्या पॉलिटिक्स है जो कि एक को बाहर कर रहा है, कौन इसमें से एक विकास दुबे है बताओ जल्दी से, ऐसा कौन है जो बाहर खड़ा होने वाला है, दिमाग में कुछ आ रहा है क्या। उसी तरीके से आठवां क्वेश्चन देखो, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, सोडियम, उसी तरीके से एसबीआई, आरबीआई, यूबीआई, सीबीआई, बताओ क्या क्या आंसर है, क्योंकि बहुत इजी है, मैं समझ रहा हूं कि आप लोग इसके आंसर बता दोगे, इसीलिए मैं आप लोग से इस क्वेश्चन का डिस्कस नहीं कर रहा हूं। तो क्या बताना पड़ेगा, देखिए नीचे वाले पे चलते हैं, एसबीआई, आरबीआई, यूबीआई, सीबीआई क्या है, ये सभी बैंक हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन सीबीआई क्या है, एक क्या है, क्या है, सीक्रेट एजेंसी है, गुप्तचर संस्था है, तो ये इसको अलग कर दिया। लेकिन यहां पे कई सारा कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट करेगा कि इसको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कुछ समथिंग बोल सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी बोर्ड एग्जाम लेता है तो अपने आंसर सेट करके रखता है, और आपका भला भगवान करे कि आप वो आंसर टिक करो और आपको उसका मार्क्स मिल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, हम किसी रीजनिंग क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारा एक एम होना चाहिए कि जब उसके तीन ऑप्शन को देखें तो जिस आंसर को आप करेक्ट बोल रहे हो उसको कितने तरीके से करेक्ट कर सकते हो, कितने तरीके से उसे करेक्ट कर सकते हो। अगर उसे आप 2 times, 3 times अगर आप सही कर देते हो तो मोर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। यहां पे सीबीआई जो है वो जब गवर्नमेंट की संस्था की बात की जा रही है, ठीक है, किसी बैंक अथॉरिटी की बात की जा रही है, आप देख रहे होंगे फोकस कहां पे, बैंक अथॉरिटी पे, तो ऐसे में सीबीआई है जो कि इसको अलग करती है। अगर आप इसको बैंक में कन्वर्ट कर दोगे तो फिर आप आंसर निकालोगे कैसे, दिमाग में आ रहा है कुछ, तो जाहिर सी बात है कि जहां कुछ नहीं मिल रहा था वहां हमें आंसर मिल रहा है, तो दिमाग बढ़ाना है, यही तो बात है ना भाई, जब आपको आंसर मिल रहा था तो आप क्यों नहीं उसका आंसर टिक करोगे, क्यों आप जाओगे कि अरे सर आर्ग्यू करना है, ये तो भाई ये भी तो बैंक है, नहीं, आपको जब आंसर मिल गया देन यू टिक द आंसर, बस लीव करो, आगे कोई बात ही नहीं कर रही उस पर, यही बताने की कोशिश कर रहा था। जब आप रेडियम, थोरियम, यूरेनियम और सोडियम में जाते हो तो इसमें आप बताओ कि क्या पॉलिटिक्स है, जल्दी बताओ। आप देख रहे होगे कि रेडियम, थोरियम, यूरेनियम, सोडियम जो है एक है पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं, लेकिन रेडियम, थोरियम और यूरेनियम क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, सोडियम क्या है, एक नॉन मेटल है, हाईली रिएक्टिव है, लेकिन ये एक नॉन मेटल है, बाकी सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, एक क्लास की बात है, ये दूसरे क्लास में आता है, इस तरीके से ये अलग हो जाएगा, और इसका मुझे कमेंट्स में आंसर करके बताओगे कि किस बेसिस पे वो क्यों अलग है। बाकी आप कमेंट्स करके बताते रहिएगा, जहां भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स होती है मैं उस पर आपका आंसर करेक्ट करूंगा। और एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं कुछ क्वेश्चन से, तो मैं आपको दे देता हूं, एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, और क्योंकि आई होप कि आप लोग के लिए थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप नोट कर लो, ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व कराते हैं आपसे। क्वेश्चन सुनो ध्यान से, अंकों के निम्न श्रृंखला में 4 के अंक कितने हैं जिसमें पहले 6 आता है परंतु जिनके तुरंत बाद 5 नहीं आता है, 1, 2, 3 और 4 बताइए। अंकों के निम्न श्रृंखला में 4 के अंक कितने हैं जिनमें पहले 6 आता है परंतु, अच्छा एक क्वेश्चन के ऊपर एक पैराग्राफ होगा, इजेक्टली इस क्वेश्चन को लीव कर देना, नया क्वेश्चन एक नोट कर लो। क्वेश्चन है एल एक्स एन यू एन वाई पी भी, ठीक है, क्यू टी बी आर, यहां पे बताना है क्या होगा, और ऑप्शन में दे रहा हूं, ऑप्शन है आपका
एम एन, ठीक है, एम एन क्यू पी। दूसरा ऑप्शन है आपका ओ पी क्यू आर। तीसरा ऑप्शन है एन ओ पी क्यू सॉरी आर, ठीक है। और आपका लास्ट क्वेश्चन है एन एस टी यू। चलो एक ऑप्शन नोटा भी ले लो, नन ऑफ दीज, बताओ इसमें से इसका क्या आंसर होगा। ठीक है गाइज, कमेंट जरूर कीजिएगा, प्लीज डू लाइक एंड डू शेयर। पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसके आप उस वीडियो को देखिए जिससे आपके एग्जाम में बहुत इंप्रूवमेंट हो सके, और बाकी वीडियोस हम लाते रहेंगे, कोशिश करेंगे। आप कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक वीडियो चाहिए, उस पर पक्का 100% वीडियो दूंगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी।